आप लोग का अच्छा गया होगा टेस्ट। इसमें मैंने जैसे कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन थोड़े गलत भी थे, जिसके ऑप्शंस गलत भी थे। तो उन क्वेश्चंस के लिए आप अपने आप को बोनस मार्क्स दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीट इन 100 मिनट, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है 90 पर मुझे पता है T90% किसके बराबर होता है। T90% होता है, आपको याद है SS time table मैंने बताया था, 10/3 ऑफ टी हाफ, 10/3 ऑफ टी हाफ होता है। ठीक है, और मुझे इसने क्या पूछा, व्हाट इज द हाफ लाइफ। T90% उसने कितना दिया हुआ, 100 मिनट। 100 into 3 by 10 ये किसके बराबर हो जाएगा, टी हाफ को। तो टी हाफ मेरे किसके लिए हो जाएगा, 30 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। तो दैट्स नथिंग बट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की बात है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन अल्कलाइन मीडियम इज, तो ऑब्वियस सी बात है ईस्टर इन अल्कलाइन मीडियम क्या होता है, सेकंड ऑर्डर का होता है, तो मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर 70 मिनट्स टू चेंज कंसंट्रेशन फ्रॉम 0 टू 08। ठीक है, 70 मिनट होता है 0.08 टू 0.01। तो उसने पूछा व्हाट इज द हाफ, मतलब 0.04, मतलब बेसिकली उसने हाफ लाइफ पूछा। क्या पूछा है, हाफ लाइफ पूछा। अब इसका देखो दो तरीके हैं, या तो आप पहले k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू, k का फॉर्मूला क्या होगा, k1 by x a by a into a minus x ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं पहला k की बात करूँ, तो एक बार 70 जा रहा है, और a माइनस x अगर मैं मान लेता हूँ, a माइनस x जो हो रहा है वो है मेरा, मान लो a माइनस x मेरा कितना बच रहा है, 80 टाइम t, मतलब 0.01 बच रहा है। तो ऊपर मेरा कितना हो जाएगा, 0.07। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.08 into 0.01 into 0.01, ये ऐसे हो जाएगा। वही के दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ, जब ए माइनस एक्स किसके बराबर है, ए माइनस एक्स बराबर है 0.04 के बराबर है, टी हाफ लाइफ इंटू 0.04 into 0.08 into 0.04, कुछ इस तरीके से बनेगा। सेकेंड दोनों के की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, तो 1/70 into 0.07 by 0.08 into 0.01 is equal to किसके बराबर होगा, 1/T½ into 0.04 into 0.08 into 0.04। या तो आप डायरेक्टली हाफ लाइफ के फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए आपको पहले के कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो टाइम अप्रोक्सीमेटली आता है 10 मिनट। ठीक है, कितना आता है 10 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 मुझे लगता है आप लोगों ने बना दिया होगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा 10 a 28 का ए हो जाएगा। ठीक है, 29 का जो ऑप्शन होगा, 29 का ए आंसर है। ठीक है, ए के बी क्यूब, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन पर्सनली आस्क मी, पर यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत किए। क्वेश्चन नंबर 30, द टेम्परेचर एट विच द एवरेज स्पीड ऑफ द परफेक्ट गैस मॉलिक्यूल इज डबल। एवरेज स्पीड मुझे पता है, वी एवरेज किसी भी मॉलिक्यूल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट टी के। तो वी टू बाई वी वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ टी टू बाई टी वन। क्या बोला, वी एवरेज ऑलमोस्ट डबल होगा, किस टेम्परेचर पे वी एवरेज डबल हो जाएगा, तो ये वी ट्वाइस ऑफ वी बाई वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी टू बाई टी वन का अंडर रूट। तो अगर मैं वी भी कैंसिल कर दूँ, स्क्वायर करता हूँ, तो टी टू बाई टी वन इसके बराबर हो जाएगा, तो टी वन बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस T2 बराबर जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ T1 हो जाएगा। T1 टेम्परेचर उसने कितना, देखो आपको याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम टेम्परेचर केल्विन में लेते थे, तो T1 आपके लिए टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 273 प्लस 17 तो 290 हो जाएगा, तो T2 आपके लिए कितना हो जाएगा, 4 into 290 बट आपके लिए हो जाएगा 4 into 290। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 1160 केल्विन, लेकिन आंसर सेल्सियस में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 887 डिग्री सेल्सियस। देखो छोटी छोटी बातों से हमें क्वेश्चन बनते भी और बिगड़ते भी है, तो क्योंकि हमेशा टेम्परेचर आप यहाँ केल्विन का यूज करना है, अगर आप डायरेक्ट 79/4 करो तो 68 डिग्री सेल्सियस आएगा, जो कि आंसर गलत भी है। हो सकता है आपको ये ऑप्शन नहीं दिया, बट ये ऑप्शन जेई में दे सकता है, तो आपको हमेशा क्या करना है, पहले केल्विन में ही आंसर निकालना, बाद में उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे प्रेफरेबल टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 31, the concentration measured in mole per liter and the time in minute। ठीक है, तो कोई बात है, rate constant of a third order reaction, तो I hope so ये तो question सबने कर लिया होगा, क्योंकि k का unit क्या होता है, mole per liter का power 1 minus n minute inverse उसने बोल दिया, और n की value उसने 3 दिए हुए, तो liter square हो जाएगा, तो liter square
मोल माइनस टू मिनट इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। 32 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, एक कैटलाइज लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम 20 किलो जूल से 10 किलो। एक कैटलिस्ट है जो किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटा रहा है। ठीक है, द बोला द टेम्परेचर एट विच अनकैटलाइज्ड रिएक्शन विल हैव द सेम रेट एज द एज दैट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का मतलब ये होगा कि दोनों का रेट कभी सेम हो सकता है जब ईए बाई टी और ईए डैश बाई टी सेम हो। ठीक है, तो मुझे ये टेम्परेचर निकालना है किस टेम्परेचर पे। तो इनिशियली उसका टेम्परेचर कितना था, इनिशियली टेम्परेचर का कैटलाइज्ड रिएक्शन का 10 था, कितने टेम्परेचर पे, 300 पे। ठीक है, घट गया था ना कैटलाइज्ड रिएक्शन पे बाद। और जो अनकैटलाइज्ड है उसका एक्टिवेशन एनर्जी 20 होगा क्योंकि उसमें तो कोई घटा नहीं है, किस टेम्परेचर पीरियड बराबर होगा। तो यहां से जब आप टेम्परेचर निकालोगे तो 600 केल्विन हो जाएगा आंसर, 600 केल्विन हो जाएगा। तो दैट्स नथिंग बट आंसर आपका कितना हो जाएगा, यहां से आप आंसर निकालोगे तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 33 की क्वेश्चन नंबर द रेट ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होता है जब कंसंट्रेशन 16 टाइम इंक्रीज करता है। तो यहां से सामने से पता चल रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का पावर कितना है मेरा, हाफ है। कंसंट्रेशन का पावर कितना, हाफ है, और रेट और रिएक्शन उसने सब दिया हुआ है। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेट बाय कंसंट्रेशन का अंडर रूट। रेट उसने कितना दिया हुआ है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन 4 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁶, और कंसंट्रेशन है 4 × 10⁻⁴, मतलब 2 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴। के की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁴। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मोल, मोल हाफ लीटर हाफ सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट भी ध्यान रखने, देखो इसने कंफ्यूजन किया ए और सी में, तो मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, टू सब्सटेंस ए एंड बी। देखो तू इसमें गलत दिया हुआ है, दो सब्सटेंस है ए और बी है। ठीक है, सच दैट ए नॉट इक्वल टू 4 ऑफ बी नॉट, ए है और बी है। ठीक है, ए प्लस बी, अगर ये ए नॉट है तो ये 4 ए नॉट होगा। तो किस समय पे इसने क्या बोला है कि स्टार्ट डिकेइंग एट द सेम टाइम, स्टार्ट कर रहा है एक साथ दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, हाउ मच विल टाइम कंसंट्रेशन बोथ विल बी सेम। तो ठीक है, मान लो अगर ए से ये क्या चला गया, ए नॉट ए बाई टू, ए बाई टू एक टी हाफ में। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, एक टी हाफ, फिर चला जाएगा 2 ए नॉट। ठीक है, और यहाँ से क्या चला जाएगा, 1 ए नॉट, फिर अगेन क्या चला है, ए नॉट बाई टू। तो 3 टी हाफ में ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो होना चाहिए 45 मिनट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका इसका हाफ लाइफ दिया हुआ 15 मिनट, तो ऑब्वियस बात है टी 45 मिनट के बाद दोनों का कंसंट्रेशन कर जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिसका आंसर आपको गलत दिया हुआ। तो आप यू कैन बोनस, यू कैन एड योर मार्क्स बोनस के तौर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टेंस टू प्रोडक्ट एंड अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2R टेंस टू प्रोडक्ट। ठीक है, ए कोई है वो फर्स्ट ऑर्डर जा रहा है और 2R जो है वो कोई सेकंड ऑर्डर है। 2R क्या है मेरा, सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, दोनों 4 मोल से स्टार्ट करते हैं, दोनों किससे स्टार्ट करते हैं, 4 मोल से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी अनरिएक्टेड आफ्टर 60 मिनट। ठीक है, आफ्टर 60 मिनट के बाद कितना होगा, अगर ये सेकंड ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर मेरा ए, पहला रिएक्शन क्या फर्स्ट ऑर्डर है, तो ए से 60 मिनट के बाद बोला ना, और उसका हाफ लाइफ उसने कितना दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है 20 मिनट्स, बोथ हैव अ 20 मिनट, दोनों का हाफ लाइफ सेम है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ 20 मिनट सेम है। तो यहां पे 20 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, a by 2 सॉरी 4 दोनों से दिया ना, दोनों क्या है, a tends to product है, देखो a tends to product है। ठीक है, दोनों 4 से चालू कर रहा है, तो 20 मिनट में अगेन क्या जाएगा, 2 जाएगा, फिर अगेन 20 मिनट में कितना जाएगा, 1 जाएगा, फिर 20 मिनट में कितना जाएगा, 0.05 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करो, क्योंकि मुझे पता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट होता है। तो अगर ये आधा होगा तो हाफ लाइफ डबल हो जाता है, ये आधा होगा तो हाफ लाइफ डबल होगा। तो अगेन 4 की बात करो, 4 से 2 गया, तो मान लो पहला 20 मिनट है, तो 2 से अगेन बन जाएगा, तो कितना मिनट हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा, कितना मिनट हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है कंसंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट, तो 40 प्लस 20 इस सेकंड ऑर्डर वाले का 1 बचेगा और इसका कितना बचेगा, 0.05। तो नो नीड टू सॉल्व, आप डायरेक्टली इस पर से सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 ठीक है। इन्वर्जन ऑफ हाफ लाइफ केन शुगर, ये मेरे को लगता है क्लासरूम का ही क्वेश्चन है, क्लासरूम में ही क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ अभी है। पीएच 5 दिया हुआ एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, मतलब हाफ लाइफ के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब शुगर का कंसंट्रेशन रेट मेरा जो है क्वेश्चन नंबर में फिर से चलो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूँ तो रेट जो होगा के शुगर का पावर ए और एच प्लस का पावर बी। तो यहाँ से ये तो सिंपल से क्वेश्चन के वर्डिंग से समझ में आ रहा है कि फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, देखो लिखा हुआ ना देन वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसेस्ड विद हाफ लाइफ ऑफ 500 मिनट एट पीएच 5 फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, मतलब ये तो सिंपल सा ए तो वन होगा ठीक है। अब उसने क्या बोला है एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, एच प्लस का अपना तो ऑर्डर होगा ये तो 100% बात श्योर है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखो मैंने हाफ लाइफ मेथड निकाला था ऑर्डर लेने के लिए, तो हाफ लाइफ मेथड को मैं क्या कर सकता हूँ टी हाफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ टू इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ एच प्लस पहले कंसंट्रेशन पे भी ए मानता हूँ दूसरे बी बी माना दूसरे वाले का भी बी माना, तो पहला का 500 है डिवाइडेड बाई 50 तो इसका कितना 10^-5 था ए पे और 10^-बी और 10^-6 बी ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 10 का पावर बी, तो बी का कंसंट्रेशन आपको कितना हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है बी का कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 हो जाएगा ओके। बी का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा माय मिस्टेक ठीक है। टी हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर कंसंट्रेशन 1 माइनस एन होता है, हाँ तो ऐसे करेंगे टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2, तो मैं क्या कर सकता हूँ याद है अब ये फॉर्मूला लगाया था मैंने कितना एच प्लस 1 बाय एच प्लस 2 का पावर 1 माइनस एन, हाँ अब हो सकता है 500 बाय 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10^-5 बाय 10^-6 1 माइनस एन, तो मतलब 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का पावर 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 0, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा बी आंसर, मोस्ट प्रोबेबल क्या बी ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला इन अ रिएक्शन कैरीड आउट 500 केल्विन 0.001% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आर इफेक्टिव द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 33 की नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन किसके बराबर होता है e^-ea/rt ठीक है, ये होता है मुझे पता है e^-ea/rt को आप किसके बराबर कर सकते हैं 0.001%, तो इसको 10^-2 कर देता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10^-5 e^-ea/rt, तो ln ले लो, तो इसको मैं लिख सकता हूं -ea/rt = 2.303 log 10^-5, तो यहाँ से जब R की वैल्यू 2 पुट करोगे क्योंकि कैलोरी आंसर दिया टेम्परेचर आप कितना पुट करोगे 500 केल्विन, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी जो अप्रोक्सीमेटली में आती है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर आएगा 11.5 किलो कैलोरी पर मोल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है 50% ऑफ अ सैंपल ऑफ अ कंपाउंड इज डिकम्पोज इन 120 मिनट एंड हाउ लॉन्ग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो 90% के लिए कितना होगा, तो कुछ ना और भी आसान है टी 90% बराबर कितना होता है 10/3 ऑफ टी हाफ, देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसी तरह से टी हाफ इक्वल टू 120 तो दैट्स नथिंग बट 400 मिनट, तो अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट फिर 99 दिया तो उसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर करेक्ट है ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है मेरा ठीक है मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर करेक्ट होता है ठीक है, क्योंकि मैंने जो टी 90 और टी हाफ का जो रिलेशन है वो भी मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल दे रहा है 10/3 के बराबर होता है मतलब 0.33 के बराबर होता है, तो आप जब 3.33 मल्टीप्लाई करो तो भी आपको वही आंसर मिलेगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 ए प्लस बी टेंस टू सी इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन
एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड दिया बैकवर्ड पूछा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है -30 किलो जूल, और -30 किलो जूल बराबर किसके होगा, ईए ऑफ फॉरवर्ड माइनस ईए ऑफ बैकवर्ड। तो -30 बराबर किसके होगा, ईए फॉरवर्ड कितना है, ईए फॉरवर्ड है 70, 70 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 70 प्लस 30, तो दैट्स नथिंग बट 100 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या बोला, द रेट कांस्टेंट आर्गेनियस एनर्जी सब दिया हुआ है, दिया हुआ द वैल्यू ऑफ टी टेंड्स टू इनफिनिटी क्या होगा, द रेट कांस्टेंट, तो आपको पता है के डॉट ई रेस टू माइनस डीए बाय आरटी, ये क्वेश्चन मैंने बताया कि जब टी टेंपरेचर इनफाइनाइट हो जाता है तो के की वैल्यू ए के बराबर होती है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका कितना होगा, 39 में 40 का आंसर जो होगा 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, के की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 41 की बात करें, देखो a plus 2b tends to c plus t is an elementary process, ठीक है, elementary process बोल दिया है, तो 41 r बराबर r initial k बराबर क्या होगा, partial pressure of a और partial pressure of b का square, ठीक है, बोल रहा है initial 0.6 और 0.8 है, तो r बराबर जब 0.2 pc बनेगा तो rate कितना होगा, तो ठीक है कोई issue नहीं, इसमें निकाल लेते हैं, तो जब मुझे पता है रिएक्शन है a plus 2b tends to give c plus d, तो ये 0.6 था 0.8 था तब ये 0.0 था, 0.6 minus 0.2 या 0.8 अब twice जाएगा ना, तो 0.4 जाएगा, ये 0.2 बनेगा, ये 0.2 बनेगा, तो यहाँ पे partial pressure of a कितना बच रहा है, 0.4 बच रहा है, ये भी 0.4 बच रहा है, तो r2 बराबर कितना हो जाएगा k, r2 बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा into 0.4 का और 0.4 का स्क्वायर, तो उसने पूछा है R2 by R1 की वैल्यू क्या, तो K कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो तो 0.4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.6 इनटू 0.8, तो इसको जब सॉल्व करो तो 1/6 वैल्यू आती है, कितनी आती है 1/6 वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, एक कैटलाइज्ड डिक्रीजेस फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी 100 किलो टू इतना, फिर अगेन 42 भी सेम है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर इट क्या बोला, एट व्हाट टेंपरेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 500 केल्विन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन एट दिस, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, ईए डैश बाय वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ईए बाय टी वन इज इक्वल टू ईए डैश बाय टी टू, तो 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरा 500 इज इक्वल टू 80 बाय टी टू, तो टी टू यहाँ से कितना आ जाएगा 400 केल्विन, ठीक है, सेम फॉर्मूला सेम क्वेश्चन जिस हमने पहले वाला किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर सी होगा, ये ऑब्वियस से बात है, 34 क्वेश्चन है, 44 क्या बोल रहा है, 44 द अकंपाइंग फिगर दिस और दिस, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ग्राफ का जब देखोगे तो ए और बी एग्जैक्टली उस पॉइंट में मिल रहा है जहां तुमको कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा टी हाफ, मतलब जो पॉइंट ऑफ कंसर्न इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बता रहा है कि दोनों का इस टाइम पे टी हाफ क्या है, इक्वल है, तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, और देखो ये H2 निकल वाला ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है, तो ऑब्वियस बात है आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 45 का ए हो जाएगा, जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ होता है लॉग ए लॉग टी ऑफ का जो ग्राफ होता है वो जीरो ऑर्डर के लिए, तो ए ऑप्शन करेंगे, पहले तो ये रिएक्शन समझो कौन सा ऑर्डर का, पहले रिएक्शन ये मैंने आपको बोला रट लेना है, ऑलमोस्ट पूछा जाता है हमेशा, तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर का ए और हाफ लाइफ का जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आया, अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इंटीजर प्रॉब्लम, इंटीजर प्रॉब्लम में देखो कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, एक क्वेश्चन गलत है, सिर्फ कुछ नहीं एक क्वेश्चन गलत है, उसके अलावा अपने आप को बोनस दे सकते हो, बाकी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा 46 के अलावा फॉर अ रिएक्शन ए टेंड्स टू प्रोडक्ट इफ इट इज फाउंड दैट द रेट इंक्रीज बाय 6.25 जो कंसंट्रेशन था तो व्हाट इज द ऑर्डर, तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 46 में कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन कंसंट्रेशन, तो 6.25 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 2.5 का पावर x, तो x की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए तभी ये 6.25 हो सकता है, ठीक है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड 93.5 इज x टाइम्स, तो अगेन कितना है 47 का आपको पता है t 93.75 जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ t हाफ होता है, एज अ स्टैम टेबल मैंने ऑलरेडी ये चीज बताया हुआ है x इक्वल टू 4 हो जाएगा यहां पे, ठीक है, 46 का 2 47 का 4, ठीक है, और 48 क्या बोला फॉर द रिएक्शन NO2 CO टेंड्स टू गिव
CO2 plus NO, ठीक है, the experimental rate, the rate जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ NO2 के कंसंट्रेशन, मतलब CO का कोई रोल नहीं, CO को कोई रोल ही नहीं है, इसका मतलब the number of molecules CO involved is slowest step zero, zero, क्योंकि rate में जब पार्टी नहीं कर रहा तो obviously बात है 47 क्या हो जाएगा, 47 का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, the number of molecules involved is the slowest step possible, ठीक है, जीरो ऑर्डर हो जाएगा, slowest step में इनका कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है, तो जो भी चीजें डिपेंड करेंगे वो सिर्फ NO2 के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। 49 नंबर थोड़ा सा गलत है, ठीक है, 49 नंबर आप बोनस दे सकते हो, 48 49 49 में देखो क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा ये छोड़ दो, आप चार मार्क्स दे सकते हो, क्वेश्चन पूरा ही गलत है, ठीक है, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता, ऑर्डर में से एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो टेम्परेचर पे कभी ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, उन चीजों को, ठीक है, 49 का दे दो, बोनस दे सकते हो आपको, ठीक है। 50 में बोला स्टेटमेंट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के 2a प्लस b, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट सही है वो है आपका, एक तो आपका स्टेटमेंट a सही है, और हाफ लाइफ इज लॉन्ग व्हेन द कंसंट्रेशन इज लो, ये भी सही है, तो दो पहले का स्कोर 3 है, तीसरे का स्कोर है, तो टोटल स्कोर 3 + 1 = 450 का आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम निकले केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं मंडे से।